Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number ten, technology in everyday life. Today I am going to deliver the lecture about card making and uh, face mask making. So, my dear students, aap, I hope that you all enjoy lectures uh, and perform all the activities so my dear students let's get started with the recap of the previous lecture so my dear students in the previous lecture we made an envelope so quickly tell me how to make a paper envelope it is made up out, uh, made out of a paper or a cardboard sheet or a chart paper um, by uh, using folding technique and pasting technique so how paper envelopes are useful uh, we use them to put in money eid cards um, uh, and different letters and cards to uh, give to other people okay my dear students so in today's lecture the students will be able to design paper cards and face masks so art paper cutting pasting uh, or do technique hair folding technique here is called use karte card or face mask to have a banana seeking so my dear students uh, let's quickly move forward towards the pre-reading question so quickly tell me that what are different types of cards eid card wedding card बर्थडे कार्ड विश यू विश अदर पीपल सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स तो मुख्तलिफ जो आपके फंक्शन uh, होते हैं या कोई भी इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो कार्ड्स आप देते हैं या लेते हैं लोगों से ओके माई डियर स्टूडेंट्स सो नाउ इज़ द टाइम फॉर द रीडिंग एंड प्रैक्टिकल वर्क आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ओपन पेज नंबर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स इन योर साइंस फॉर बुक्स चैप्ट नंबर टेन आई होप एवरीबडी हैज़ ओपन द पेज सो नाउ लेट स्टार्ट रीडिंग पुथ फिंगर्स वेर आई विल रीड कार्ड कार्ड्स कैन बी यूज टू इन्वाइट लव वन ऑन सम समजन यू कैन विश योर फ्रेंड अ बर्थडे एज वेल यू मे ऑल्सो यूज कार्ड्स टू प्रे ग्रेटिट्यूड एक्नॉलेज सम एफर्ट और टू शो योर इमोशन और फीलिंग फॉर सम वन यू विश टू सो माई डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कार्ड को यूज़ करने के मुख्तलि तरीके बताए हुए हैं बेसिकली ये कोई भी एक्सप्रेशन है इन्विटेशन है इमोशन है आपका ग्रैटिट्यूड या थैंकफुलनेस है टूवर्ड्स सम वन सो कार्ड्स जो है ये आपकी फीलिंग्स और इमोशंस का नाम है जो कि आप अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो हाउ वी कैन डिज़ाइन अ कार्ड सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड इज चार्ट पेपर ग्लेज पेपर अ पेयर ऑफ सीजर्स ग्लू डेकोरेटिव आइटम्स सो माई डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से आप कार्ड जो है वो बना सकते हैं लेट्स हैव अ लुक जो स्टेप्स हैं हमने उनको फॉलो करना है so the procedure is fold a piece of chart paper to make crease in the way you want to design your card paste it on the cardboard decorate it using colored markers stickers flowers etc make some drawings as per the occasion write your message inside your card is ready so my dear students up joey card जो है इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको कैसे बनाना है बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज़ आपको कोई भी चार्ट पेपर ग्लेसड पेपर या कोई भी कलर्ड शीट चाहिए सो आई एम यूजिंग अ चार्ट पेपर ठीक है और मैं इसको आई विल मेक क्रीज एंड आई विल फोल्ड इट इन हाफ लाइक दिस ठीक है सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे मैं तमाम जो है डेकोरेशन कंप्लीट करूंगी सो व्हाट आई विल डू इज़ मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है यहाँ मैं अपना मैसेज लिखूंगी और उसके ऊपर मैं तमाम डेकोरेशन करूंगी सो so, डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो ली हैं सो आई एम डिजाइनिंग अ बर्थडे कार्ड सो हेयर इज द केक अ चॉकलेट केक यमी चॉकलेट केक सो सबसे पहले पेस्टिंग टेक्निक फोल्डिंग टेक्निक से मैंने इसको फोल्ड कर लिया नाउ आई विल पेस्ट माई केक ऑन द टॉप ऑफ द कार्ड ठीक है सो केयरफुली आई विल पुट इट अबव द लाइन जो कि मैंने ड्रॉ की है और मैं इसको पेस्ट कर दूंगी इस तरीके से तो so, इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर दिया नाउ टू मेक इट मोर कलरफुल आई हैव सम कलर्ड मैंने बलून्स जो हैं वो कलर्ड पेपर के कट आउट किए हैं और मैं अब इनको यहाँ पेस्ट कर दूंगी ऑन द टॉप ठीक है अब आप देखिएगा कि मैं इनको अरेंज करके नीटली ऊपर इसके पेस्ट कर दूँगी सो so, मैं बहुत इजी टाइम सेविंग कार्ड बनाना चाह रही हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए आप पेंटिंग से कलरिंग से मार्क से ड्राइंग से किसी भी तरीके से आप अपने कार्ड को कंप्लीट कर सकते हैं ये आपकी फीलिंग और इमोशंस पे डिपेंड करता है लेकिन क्योंकि अभी वी हैव टाइम शॉर्ट ऑफ टाइम तो हमें इसको जल्दी से कम्प्लीट करना है आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू आइडिया एन आइडिया कि किस तरीके से आप एक खूबसूरत कार्ड जो है वो डिजाइन कर सकते हैं फॉर एनी ओकेजन ठीक है सो so, ये बलून्स जो है ये मैं केक के टॉप पे पेस्ट कर रही हूं टू गिव इट अ नाइस कलरफुल लुक ठीक है सो so, ग्लू थोड़ी अगर ज्यादा हो जाए आपकी तो टेक इट ऑफ क्योंकि ग्लू ज्यादा लगाने से आपका पेपर और चार्ट जो है वो अनटाइडी हो जाता है हमेशा सो so, इस तरीके से मैंने तमाम बलून्स जो हैं वो पेस्ट कर दिए हैं एज यू कैन सी न कितना कलरफुल लग रहा है ना नाउ आई एम यूजिंग अ सिल्वर ग्लिटर फोमिक शीट ठीक है ये ऑलरेडी स्टिकिंग इसके पीछे होती है तो मैंने थिन जो शीट है वो कट आउट की हुई है सो so, इसको मैं अब छोटे छोटे पीसेज में कट कर लूँगी सो बाई टेकिंग दिस सिजर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी क्योंकि मुझे थ्रेड बनानी है बलूनस की टू गिव इट अ नाइस ग्लिटरी एफेक्ट ठीक है अब इसकी पीछे से स्टिकिंग जो है आई विल टेक इट ऑफ और ये इज़ीली जो है यहाँ पेस्ट हो जाएगा ठीक है तो ये मेरे बलूनस की थ्रेड है और इससे जो है ये और भी पॉपिंग और अपीलिंग हो जाएगा तो तमाम को आपने इस तरीके से जो थ्रेड है वो लगा देनी है इफ़ यू फाइंड इट दैट इट्स बिट लॉन्गर और समथिंग तो आप उसके हिसाब से साइज जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं सो इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आपने अपने बिल अपने कार्ड uh, को डिजाइन करना है आप कोई ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं आप केक खुद से ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो इट्स ऑल अप टू यू हाउ टू मेक इट ओके सो दिस इज डन सी दिस इज लुकिंग वेरी कलरफुल एंड ग्लिटरी नाउ सो so, नीचे मैंने बर्थडे का मैसेज लिखना है एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग अ सिल्वर मार्कर सो आई विल शेक इट वेल एंड आई विल राइट हैप्पी बर्थडे आप इसको पेंट भी कर सकते हैं कलर्ड मार्कर से भी लिख सकते हैं और अंदर आपने अपनी पसंद का कोई भी मैसेज बर्थडे से रिलेटेड अपने फ्रेंड को या जिसको भी आप देना चाह रहे हैं आपने वो लिखना है सो हैप्पी बर्थडे मैंने ये अपनी फ्रेंड के लिए बनाया है एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाया है एंड शी इज माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो सो इट इज डन नाउ so you can see that this is really looking beautiful now so everybody can see it so my card is ready now we will move forward towards the next step so abhi hamara craft complete nahi hua hum isko complete karenge. so you can pause the video and you can complete your birthday card okay okay my dear students next is face mask so children often use face mask to copy their favorite characters material that is required is Paper, colored pencils, a pair of scissors, punch machine, elastic bands, or ribbons. Okay, my dear students, so now what you will do is arrange a paper of some good quality or little thick material. Create some face design, your own choice on the paper. It could be the face of any animal, bird, clown, or just the boundary design. Color your face mask design. With the attractive colors, cut the holes to create the gap of the eyes on the eyes, eye mask. So, my dear students, now you have to design the eye mask. To have a design hai. Make small holes at the side of your design mask. Cut out the design, at its boundary carefully. It will uh, more realistic look. Tie the ribbon or elastic on one end of the mask and ex extend it to the length of your requirement. Let it tie another side where you have made a hole. Your mask is ready now. सो माई डियर स्टूडेंट्स अब आपको फेस मास्क बनाना है एंड यू कैन कट आउट द पेपर इन टू एनी अदर शेप और शाइज शोन एंड फिगर बी डिजाइन इट एज पर योर चॉइस एंड यू हैव एन अदर मास्क टू प्ले विद सो माई डियर स्टूडेंट्स आप फुल फेस मास्क भी बना सकते हैं और आई मास्क भी बना सकते हैं आई एम गोइंग टू डिज़ाइन आई मास्क इट इज अप टू यू दैट हाउ यू कैन मेक इट सो इलास्टिक आपको चाहिए होती है टू टाई अराउंड द रबर बैंड आप इसके लिए यूज कर सकते हैं टू टाई इट अराउंड ओके माय डियर स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड सो फॉर दिस व्हाट यू विल नीड इज यू विल बी नीडिंग द बाउंड्री ऑफ द आई मास्क मैं आई मास्क बना रही हूं आप फुल फेस मास्क भी बना सकते हैं सो है यू कैन सी दिस इज द स्टेंसिल फॉर द आई मास्क सो इसके लिए हमें चार्ट पेपर चाहिए एक थिक चार्ट पेपर होना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द बाउंड्री ऑफ द आई मास्क सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज क्विकली आई एम गोइंग टू ड्रॉ द बाउंड्री लाइक दिस ठीक है सो बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट आउट करेंगे आईज की जगह जो है वो आपने जरूर छोड़नी है ताकि आप उसमें से देख भी तो सकें ना वरना तो आप देख ही नहीं सकेंगे रियलिस्टिक ही नहीं लगेगा वो सो so, एक ब्यूटीफुल आई मास्क जो है ये रेडी हो जाएगा आप किसी भी ओकेजन बर्थडे थीम के अकॉर्डिंगली अपने आई मास्क को डिज़ाइन कर सकते हैं आप किसी कार्टून करेक्टर का या अपने सुपर हीरो का भी आई मास्क जो है वो बना सकते हैं ठीक है इसी तरीके से और आपके ड्राइंग स्किल्स जो है इसके लिए थोड़े जो है वो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद बेटर हो जाएंगे और आपको होल्ड uh, करने के लिए यू विल ऑल्सो यू विल ऑल्सो नीड अ पंक्चर पेपर पंक्चर भी रिक्वायर्ड होता है इसके लिए नाउ वट यू विल डू इज यू विल कट द आई मास्क ओके आपको ये आई मास्क किस तरीके से लेना है और इसको आपने कट करना है ठीक है सो इस स्टेंसल को वंस इट विल बी कट हम इसको पेंट करेंगे और हम इसकी आइज जो है उसको कटर से जो है वो कट आउट करेंगे ठीक है सो यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप्स टीचर्स जो हैं वो अपनी पर मर्जी से बच्चों को ये आ, जो है बनाने दें उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करें दे कैन मेक इट इन ग्रुप्स वन पर्सन विल कट अदर विल इट एंड दिस इज हाउ दे कैन क्रिएट द मास्क ओके ऑल द टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड है कटिंग जो है सबसे ज्यादा इसके अंदर रिक्वायर्ड है पेस्टिंग एंड ऑल्सो यू विल नीड सो इट इज डन नाउ ठीक है अब आपने सेंटर में से जो आई पैच है वो किस तरह आप रिमूव करेंगे व्हाट विल बी नीडेड है इज आपने पेपर कटर से इसको रिमूव करना है ठीक है केयरफुली हैंडल इट ये हाथ पे भी लग जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है फिर ठीक है और इसको आपने साइड पे रख के और द तो पैचेस ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो आपका आई मास्क का जो पैच है वो रेडी है व्हाट यू विल नाउ नीड इज़ यू विल नीड सम पोस्टर कलर्स सो इन पोस्टर कलर्स की मदद से आप इसको पूरे को पेंट कर सकते हैं सो यू विल बी नीडिंग अ पेंटिंग ब्रश और अब आपने इसको मैं इसको मल्टी कलर्स में जो है वो पेस्ट करना, करना है पेंट करना है ठीक है और मैं आपको पेंट करके दिखाती हूँ तो so, इस तरीके से आप इसको पेंट कर सकते हैं ठीक है नाउ नेक्स्ट अदर कलर हम दूसरा कलर लेते हैं अब रेड कलर ले लेते हैं द रेड कलर नाउ इसी तरीके से आपने स्ट्रीक्स जो है वो इसके अंदर डालनी है एंड योर मास्क विल बी रेडी आप इसको जितना चाहें इसे कलरफुल बना सकते हैं ठीक है टिपिटल लिटिल इन द वॉटर So do not spoil your clothes or anything. You, you have to wear apron or anything. तो so, इसी तरीके से आप different mask जो हैं वो eye mask या full face mask जो हैं, वो create कर सकते हैं ठीक है और फिर आपको by the end आप इसको glitter से या किसी भी decorative item से मज़ीद decorate कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या चीज़ ली है जिससे मैं इसको डेकोरेट करूंगी। ओके सो नाउ आई हैव अ ग्लिटर बो जो कि मैंने uh, इसके लिए रखी थी जिससे मैं इसको डेकोरेट करूँगी सो अलाउ इट टू ड्राई फर्स्ट क्योंकि बिकॉज आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम सो आई एम नॉट वेटिंग सो आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट द बो ओवर हेयर एट द कॉर्नर और फिर इसके बाद आप पंच से या किसी भी चीज़ से इसके अंदर यू कैन मेक होल्स इन टू इट जस्ट लाइक दिस दोनों साइड पे होल्स करें एंड विद द इलास्टिक यू हैव टू टाई इट एंड योर पेप आई मास्क इज रेडी ठीक है और इसको आप इजीली जो है वो इस तरीके से पहन सकते हैं ठीक है सो so, इसी तरीके से आपने फुल फेस मास्क जो है वो भी क्रिएट करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड सो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन मास्क डू इट इन द ग्रुप्स सो नाउ इज द टाइम फॉर अवैल्यूएशन सो माई डियर स्टूडेंट्स वॉट इज द पर्पज़ ऑफ कार्ड्स दे एक्सप्रेस योर इमोशन्स एंड योर And they also uh, are given in different occasions. Okay, my dear students, how to make cards and face masks by cutting, folding, pasting, and by um, painting, you can make eye masks and cards. Okay, my dear students, so now is the time for practice for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, how to make paper cards. सो हाउ यू मेर इट यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स वट इज़ द पर्पज ऑफ कार्ड किस पर्पज़ के लिए हम डिफरेंट कार्ड्स को यूज़ करते हैं यू हैव टू राइट दैट वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स होते हैं जैसे कि बर्थडे कार्ड्स वेडिंग कार्ड्स थैंक यू और ग्रेटिट्यूड कार्ड्स तो आप इस तरह की एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हाउ टू मेक पेपर फेस मास्क तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करके पेपर फेस मास्क बनाया यू हैव टू राइट दैट ऑल्सो ओके माई डियर स्टूडेंट्स सुन ना इज द टाइम टू uh next part of the worksheet what are the safety measures uh, you followed in making the face mask and card so follow um, handle all the cutting uh, tools and equipments uh, with care and in the uh, guidance and supervision of teacher or your parents okay my dear students for homework you will do mcq given uh, number 5 given on page number 139 and uh, the homework activity given on page number 126 and 128 so my dear students today this is the activity in where you invite your friend to provide them with the materials required to make paper bags and envelopes distribute the bags in your circle टू सेलिब्रेट एनवायरमेंट डे और अदर सो माई डियर स्टूडेंट्स आप घर में एनवेलो पे 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 पेपर बैग्स जो हैं डिफरेंट पेपर्स को और रीसाइक्लिंग मेटीरियल को यूज़ करते हुए बना सकते हैं डू दिस एक्टिविटी एट होम विद योर सिबलिंग एंड फ्रेंड्स ओके माई डियर स्टूडेंट्स ऑल्सो अरेंज अ पार्टी एट होम इन्वाइट योर फ्रेंड्स एंड प्रिपेयर सम ब्यूटिफुल मास्क ऑफ वेरियस डिजाइन आस् योर फ्रेंड्स टू वेयर दिस मास्क नाट ट्राई टू रिकग्नाइज योर फ्रेंड वेयरिंग मास्क आइडेंटिफाई हुज़ बिहैंड दास्क सो माई डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मुख्तफ मास्क बनाए फुल फेस और आई मास्क एंड इन्वाइट देम ऑन अ पार्टी एंड देन यू कैन एंजॉय ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो ना इज़ द टाइम फॉर रैप अप टूडे वी हैव मेड कार्ड्स एंड द फेस मास्क बाय यूजिंग एंड प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी हैव लर्न अर्लियर आई होप यू हैव एंजॉयड देम ऑल कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ हैव अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़